Assalamu alaikum. This is lecture number 23 for the course LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saf. In the last session, we started with the chapter of Material Requirement Planning, MRP, Material Requirement Planning. And initially, we discussed a case study of Wheeled Coach. Wheeled Coach एक कंपनी है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड जो कि एम्बुलेंसेस बनाती है और वो बेसिकली क्या करती है कि वैन्स डिफरेंट कंपनी से VW से मर्सिडीज से GMC से टोयोटा से वैन्स खरीदते हैं वैन खरीद के फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एन एम्बुलेंस और वो कहते हैं कि जी इसको कन्वर्ट करने के लिए 18,000 डिफरेंट पार्ट्स 18,000 डिफरेंट पार्ट लगते हैं एक वैन को मर्सिडीज़ में एक वैन को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने के लिए अब 18,000 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें से 6,000 पार्ट्स ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और 12,000 पार्ट्स ख़रीदते हैं इन्वेंट्री बाय करते हैं अब 18,000 पार्ट्स की मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इफ इट इज एफिशिएंट देन द कंपनी विल मेक रेवेन्यू विल वर्क वेल अगर एफिशिएंट नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो कंपनी भी ठीक नहीं होगी कंपनी जो है स्टॉक आउट्स होंगे आप लीड टाइम्स बढ़ जाएंगे नाउ व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है कि आप पहले से अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड इट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर फोरकास्ट आपको एक्चुअल डिमांड के ऊपर आप क्या करते हैं डिमांड के ऊपर आप अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट को प्लान करते हैं कि आपने लेट्स सपोज 50 एम्बुलेंसेज आपने सेल करनी है 50 एम्बुलेंसेज का ऑर्डर तो आप क्या करते हैं उस 50 एम्बुलेंसेस के अंदर हर एम्बुलेंस में 18,000 पार्ट्स लगने हैं तो आपके पास टोटल पार्ट्स आ जाएंगे फिर उतने आपको पार्ट्स अब पार्ट हर पार्ट अलग है डिफरेंट पार्ट है 18,000 डिफरेंट पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को आपने परचेज करना है ऑर्डर करना है या प्रोड्यूस करना है मैनुफैक्चर करना है उसके बाद ये पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो आपकी एम्बुलेंस जो है वो असेंबल हो सकेगी सो एंड देन वी डिस्कस डिपेंडेंट डिमांड होती है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड से दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है इंटर रिलेटेड हो एक आइटम की डिमांड बढ़ने से दूसरे आइटम की डिमांड बढ़ रही है जैसे हमने एग्जांपल एक डिस्कस की थी कि एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ने से एम्बुलेंस में जो इन्वेंट्री पार्ट्स लग रहे हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसमें स्ट्रेचर है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी जितनी डिमांड एम्बुलेंस की बढ़ जाएगी उतनी उसकी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हर एम्बुलेंस के अंदर चीज़ें चाहिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए देन डिपेंडेंट इन्वेंट्री मॉडल रिक्वायरमेंट्स अब डिपेंडेंट इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए मॉडल के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक तो हमें हम मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बना लेते हैं मास्टर MPS भी कहते हैं मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल क्या होता है कि आप एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि किस वीक में कितने कौन सा कंपोनेंट आपने मैन्युफैक्चर करना है और कितने आपने उसके नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर करने फिर बिल्स ऑफ मटेरियल में हमने कौन सा पढ़ा था पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का बिल्स ऑफ मटेरियल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि बर्गर की एक बर्गर आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं असेंबल करने जा रहे हैं तो बर्गर इज़ योर पेरेंट और उसके चिल्ड्रंस क्या होंगे उसके और उसके बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होगा अगर हम बर्गर का बिल ऑफ मटेरियल बनाएं तो उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स लगने जा रहे हैं उसमें बन लगने जा रहा है उसमें सैलड लगने जा रही है उसमें लेटस लगने जा रही है उसमें टोमेटोज हैं उसके अंदर जो चिकन है उसमें चीज़ है मेयोनीज है सॉसेज हैं ये सारी की सारी क्यूकम्बर है ये सारी की सारी लिस्ट बिल्स ऑफ मटीरियल है फिर एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इज़ अ मस्ट अगर आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट नहीं हैं तो आप मटेरियल रिक्वायरमेंट MRP नहीं कर सकते एक्यूरेटली वो क्यों वो इसलिए
कि अगर लेट्स सपोज आपके पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है, आपके पास इस वक्त 10 आइटम्स ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल हैं और आपने 50 आइटम्स की डिमांड, तो आप 40 मैन्युफैक्चर करेंगे। लेट्स सपोज आपको पता नहीं, आपका ख्याल है कि 5 आइटम्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 45 मैन्युफैक्चर करेंगे, डिमांड पूरी करेंगे। लेकिन सिंस आपके पास 5 फिर भी बच जाएंगे, उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, हम आउटस्टैंडिंग जितने परचेज ऑर्डर्स हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर लेके फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर भी हम की पे डिपेंड कर रही होती है, उससे हमारे पास टोटल डिमांड आ रही होती है। लीड टाइम फॉर कंपोनेंट्स, कि आपने ऑर्डर कंपोनेंट को ऑर्डर कर किया और उसे रिसीव करने में जितना टाइम लग रहा है उसे लीड टाइम कहते हैं। तो हर कंपोनेंट का अलग अलग लीड टाइम कैलकुलेट करते हैं। देन वी डिस्कस द MRP स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा कि हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट टेबल्स बनाए थे, हमने ग्रॉस रिक्वायरमेंट स्केड्यूल बनाया था कि हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारी नेट रिक्वायरमेंट कितनी है। जो हमने ग्रॉस रिक्वायरमेंट के अंदर कहा था कि ग्रॉस रिक्वायरमेंट, तो ये जैसे हमने उसमें एक बड़ी डिटेल में हमने एग्जांपल एक डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि एक म्यूज़िक सिस्टम की, जिसका नाम हमने ऑसम रखा था। अब म्यूज़िक सिस्टम है, उसके अंदर पे सब कंपोनेंट्स हैं, तो हमने कहा था कि हमें 50 उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास 50 है, 50 हमने आठ वीक उसका लीड टाइम, 8 वीक के अंदर हमने 50 को प्रोवाइड करने। नाउ हमारे पास ऑलरेडी ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री हमारे पास 10 थी, तो ग्रॉस में से अगर हम ऑन हैंड लेस करें तो हमारे पास नेट रिक्वायरमेंट आ जाती है। देन हमने MRP मैनेजमेंट उसके डायनेमिक्स देखे थे कि MRP इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम जितने भी उसके अंदर स्केड्यूल्स बनाते हैं, हम वी कैन रेफर बैक, वी कैन चेंज बैक टू द सिस्टम। और इसमें हमने बिल्स ऑफ मटेरियल की हमने देखा था कि बिल्स ऑफ मटेरियल में भी अगर कोई चिल्ड्रंस के स्केड्यूल में या पेरेंट के स्केड्यूल में चेंज आती है तो वो ऊपर नीचे उसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है। देन MRP एंड जस्ट इन टाइम सिस्टम हमने डिस्कस किया था कि जस्ट इन टाइम क्या होता है, कि जैसे ही आपको जितनी, अगर मुझे इस वक्त रिक्वायरमेंट है, एक वेरी सिंपल से मैं एग्जांपल देखता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे चाय की रिक्वायरमेंट है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो इन्वेंट्री तो हो सकती है कि चाय पहले से बना के 2 कप चाय मेरे पास रख दी गई हो और मुझे जैसे ही दिल करे, या मेरा पेप्सी पीने को दिल, चाहे इस वक्त पेप्सी पीने का दिल कर रहा है, पेप्सी 2 कप, दो बॉटल्स पेप्सी की पड़ी है, मैं वो खोलूँ और पी लूँ। एक हो सकता है कि जैसे ही मैं मुझे पेप्सी चाहिए या चाय चाहिए तो मैं मुझे चाय पहुँच मुहैया कर दी जाए, उसी वक्त मुझे चाय मिल जाए, तो दैट इज़ जस्ट इन टाइम मुझे इन्वेंट्री रिसीव हो जाए। द एजेंडा फॉर दिस सेशन इज़ वी विल टॉक अबाउट लॉट साइजिंग टेक्निक्स। लॉट साइजिंग कैसे करते हैं, लॉट बैच में, हम प्रोडक्शन बैचेस में करते हैं, 50 कंपोनेंट्स का एक बैच है, 70 का बैच है, 80 का बैच है, अब इन सब के लॉट साइजिंग के लॉट को इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें, वो हम टेक्निक्स देखेंगे। विल टॉक अबाउट एक्सटेंशंस ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसमें हम देखेंगे कि क्लूज लूप कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कैसे प्लान करते हैं, क्लोज्ड लूप के अंदर हम कैसे उसको देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को। फिर सर्विसेज सेक्टर के अंदर, ये तो हमने सारी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इससे पहले हमने डिस्कस की थी, प्रोडक्शन सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबली की, उसके बाद सर्विस सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो आजकल जैसे कहते हैं कि बड़ा की एक टॉपिक है और हर कंपनी उसे अडॉप्ट कर रही है, और दैट इज़ द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और फिर देखेंगे हम ERP सिस्टम हमारा सर्विस सेक्टर में कैसे यूज हो सकता है। प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हमारा कोर्स है प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट जब भी हम कहते हैं तो हम दोनों, हमने शुरू से हम हर लेक्चर के अंदर हमने प्रोडक्शन साइट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया हर चैप्टर के अंदर। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन ऑपरेशंस कहते हैं तो प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हैं।
So this is what we are going to learn in today's in this session. Let's start the session. Let's talk about finite capacity scheduling. MRP systems, material requirement planning systems, do not consider capacity during normal planning cycles. अब जो normal planning cycles हैं उसमें क्योंकि capacity already ज़्यादा होती है तो उसमें हम capacity को तो हम करते ही नहीं हैं, consider ही नहीं करते capacity को. हम उसको consider करते हैं जब हमारे large orders आ जाएं या हमारे पास जो out of capacity हो. Finite capacity scheduling recognizes actual capacity limits. By merging MRP and FCS, a finite schedule is created with feasible capacities which facilitates rapid material movement. और क्या करते हैं हम फिनिट कैपेसिटी स्केड्यूल एक बना लेते हैं. फिनिट कैपेसिटी स्केड्यूल कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है किसी चीज़ को भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने की, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बना लेते हैं. सो दैट कि आप कहते हैं कि जी मैंने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपकी कैपेसिटी 40 यूनिट्स की है, आप मटेरियल भी 50 का बना लें, लेकिन आप 50 का बना मंगवा के आप प्लान कैसे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे जो कैपेसिटी 40 है. तो अकॉर्डिंगली फिर आप मटेरियल को भी कम कर लेते हैं. तो MRP एंड FCS दो बोथ ऑफ देम एक्चुअली वर्क टुगेदर. देन कम स्मॉल बकेट अप्रोच. MRP बकेट्स आर रिड्यूस टू डेली और आवरली. कि हम क्या करते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को हम सेगमेंट्स बना देते हैं. छोटी छोटी बकेट्स हमने देखी, बाल्टी या हम देख लेते हैं, बोल्स देख लेते हैं, बड़े बोल्स को भी हम बकेट कहते हैं. उसमें क्या होता है कि एक लेट्स सपोज एक टेबल है, टेबल के ऊपर ढेर सारा फ्रूट पड़ा हुआ है. अब उस फ्रूट की टेबल को हमने क्वांटिफाई करने के बजाय हम उस फ्रूट को उसकी बकेट्स बना देते हैं, बास्केट्स बना देते हैं, और हम कहते हैं कि जी 10 बास्केट्स हैं. तो पर आर हम कितनी बास्केट्स प्रोसेस कर सकते हैं रादर देन कि हम पूरी टेबल को कैलकुलेट करें. तो द प्लांट रिसीड्स आर यूजुअली इंटरनली टू सीक्वेंस प्रोडक्शन. इन्वेंट्रीज मूव थ्रू द प्लांट ऑन अ जस्ट इन टाइम बेसिस. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे इन्वेंट्री हम मंगवाते जाते हैं. कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर मूव टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री विच रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज फॉर सब्सिक्वेंट प्लांट ऑर्डर्स. बैक फ्लशिंग बेस्ड ऑन द बिल्स ऑफ मटीरियल इज यूज टू रिडक्ट इन्वेंट्री दैट वॉज यूज इन प्रोडक्शन. बैक फ्लशिंग होती है ऑन द बिल्स ऑफ मटीरियल इज यूज टू रिडक्ट इन्वेंट्री. बैक फ्लशिंग होती है कि जो हमारे पास बैकलॉग पहले से पड़ा हुआ है, हमारे पास जो इन्वेंट्री या हमारे पास कॉम्पोनेंट्स पड़े हुए उनको हम पहले यूज करते हैं सो दैट कि हमारा बैकलॉग भी खत्म हो. हम और वो हम बिल्स ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा आइटम है, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स लगते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. बैलेंस्ड फ्लो यूज्ड इन रिपीटेटिव ऑपरेशंस. MRP प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग जस्ट इन टाइम टेक्निक्स बेस्ड ऑन पुल प्रिंसिपल्स. फ्लोज आर केयरफुली बैलेंस्ड विद स्मॉल लॉट साइजेस. और उसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल लॉट साइजेस में जैसे आप इसके अंदर पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने इस बकेट अप्रोच भी कहते हैं, बैलेंस फ्लो भी कहते हैं, जिसमें हमने बकेट है जिसके अंदर हमने इंजन गाड़ी के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक एक इंजन उसमें रखते जाते हैं और वो बकेट उस पर काम होता जाता है और वो नेक्स्ट असेंबली लाइन के अंदर आगे चलती जाती है. तो हम इस तरह से अपने बैलेंस्ड फ्लो रखते हैं अपने मटीरियल रिक्वायरमेंट्स के. सुपरमार्केट आइटम्स यूज्ड बाय मेनी प्रोडक्ट्स आर हेल्ड इन अ कॉमन एरिया ऑफन कॉल्ड अ सुपरमार्केट. सुपरमार्केट क्या होती है जहाँ कमोडिटीज आइटम्स आपको अवेलेबल होते हैं. आइटम्स आर विदड्रॉन एज नीडेड. और जब हमें जो जो आइटम चाहिए वो हम खरीद लेते हैं वहाँ से. इन्वेंट्री इज मेंटेन यूजिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. और जैसे जैसे इन्वेंट्री उनकी शेल्फ्स के ऊपर चीज़ें खत्म होती जाती हैं, नई चीज़ें ला के रखते जाते हैं, उसे टॉप अप करते जाते हैं. कॉमन आइटम्स आर नॉट प्लान्ड बाय द MRP सिस्टम. और कॉमन आइटम्स जो कि डेली यूज के आइटम्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा रनिंग वो है, वो उनको हम MRP सिस्टम के थ्रू या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के थ्रू हम उनको नहीं प्लान करते, क्योंकि वो तो अब जैसे सोप है, सोप की सेल जो है डेली की 50 सोप सेल हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं और प्लान कर लेते हैं कि जी हम डेली के हम 50 या 60 सोप्स हमने ऑर्डर ऑलरेडी किए होते हैं, वो हर रोज़ 50 सोप्स और आ जाते हैं. हम उन चीज़ों की मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं जो कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे या हमें जैसे एक महीने के अंदर इतने सेल होने हैं तो हमें किस किस दिन उसको मंगवाना है, हम किस किस दिन प्रोड्यूस करना. लॉट साइजिंग टेक्निक्स. लॉट फॉर लॉट टेक्निक्स ऑर्डर जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेट रिक्वायरमेंट्स. कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो हम नेट रिक्वायरमेंट ग्रॉस से हम नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें जितनी रिक्वायर्ड हो उतने हम लॉट
टू लॉट या हम ऑर्डर्स हम उतने मैन्युफैक्चर करते जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. मे नॉट ऑलवेज बी फिजिबल, इट सेटअप कॉस्ट आर हाई, लॉट फॉर लॉट कैन बी एक्सपेंसिव. क्योंकि हम बिग लॉट्स को, बड़ी बड़ी लॉट्स को छोटी लॉट्स के अंदर हम कन्वर्ट करते जाते हैं, तो जैसे जैसे हमें चाहिए वैसे वैसे हम उस लॉट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उससे हमारी सेटअप कॉस्ट इंक्रीज करती है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज वन ऑफ द लॉट साइजिंग टेक्निक. ईओक्यू एक्सपेक्ट्स अ नोन कॉन्स्टेंट, एक्सपेक्ट्स अ नोन कॉन्स्टेंट डिमांड. हमें इसमें कॉन्स्टेंट एक डिमांड हमें पता होती है, हमें पता होता है कि हमारी टोटल डिमांड कितनी है पूरे साल की, एनुअली या मंथली. एमआरपी सिस्टम्स ऑफन डील विद अननोन एंड वेरिएबल डिमांड. जबकि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हमें अननोन होती है डिमांड या वेरिएबल होती है. पार्ट पीरियड बैलेंसिंग पीपीबी लुक्स एट फ्यूचर ऑर्डर्स टू डिटरमिन मोस्ट इकोनॉमिक लॉट साइज. फ्यूचर ऑर्डर हमें पता है कि टोटल हमें डिमांड इतनी है हमारी, और हमारी अब कैपेसिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि हम लॉट एक जो लॉट कितने की लॉट्स प्रोड्यूस करें. फिर हम जो ज़्यादा बड़ी लॉट्स होती हैं उनको हम डिवाइड करके बाकी लॉट्स को एवरेज एक लॉट साइज बना लेते हैं. फिर एक है वैगनर विदन एल्गोरिथम, इज अ कम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक है. वैगनर विदन एक एल्गोरिथम टेक्निक है जो कि यूजली डेफिनेट टाइम हॉराइजन के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं. इट्स एन एक्यूरेट टेक्निक, लेकिन इफेक्टिव है लेकिन कंप्यूटेशनली बर्डनसम है, तो इस वजह से हम यूजली इसे यूज नहीं करते होते, या जो बड़े प्रोडक्शन कंपनीज प्लांट्स हैं वहां पे ये यूज होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू. इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, लॉट फॉर लॉट एग्जाम्पल की हम टेक्निक्स की एक एग्जाम्पल देखते हैं. पहली टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आप देखें वीक्स दिए हुए, कॉलम्स दिए हुए. पहला कॉलम है जिसमें ग्रॉस रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल ये सारे आपके डिस्क्रिप्शंस हैं. उसके बाद दूसरा कॉलम है वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वीक्स हैं. पहले वीक की ग्रॉस रिक्वायरमेंट कितनी है, 35 यूनिट्स है, और हमारे पास प्रोजेक्टेड ऑन हैंड कितने हैं, 35. तो इसका मतलब है कि हमारी नेट रिक्वायरमेंट जीरो हो गई, तो हमारा प्लान्ड ऑर्डर रिलीज भी हमारा प्लान्ड ऑर्डर रिलीज 30 है. तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपका वीक 2 के अंदर 30 आपकी रिक्वायरमेंट है और प्रोजेक्टेड ऑन हैंड 0 है, तो नेट रिक्वायरमेंट आपकी 30 होगी. सो होल्डिंग कॉस्ट हमारी 1 पर वीक है, सेटअप कॉस्ट 100 है, लीड टाइम हमारा 1 वीक है. अगर हम इसका कैलकुलेट करें, नो ऑन हैंड इन्वेंट्रीज कैरिड थ्रू द सिस्टम. ऑन हैंड इन्वेंट्री जो है हमारी पूरे सिस्टम में कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, हम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना कि हमें चाहिए. हमारा नेट रिक्वायरमेंट जितनी नेट रिक्वायरमेंट उतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास ऑन हैंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी होल्डिंग कॉस्ट जीरो है. देर आर 7 सेटअप्स फॉर दिस आइटम इन दिस प्लान. टोटल सेटअप कॉस्ट 700 हो गई. हमारी सेटअप कॉस्ट 100 थी, अब 7 सेटअप्स कैसे हैं? फर्स्ट वीक के अंदर हमने ऑर्डर रिलीज किया एक 30 का, सेकेंड वीक में हमने प्लान्ड ऑर्डर रिलीज किया 40 का, थर्ड वीक में 0 है, फोर्थ में 10, फिफ्थ में 40, सिक्स में 30, सेवन में 0, एट में 30, नाइन में 55. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने प्लान्ड ऑर्डर रिलीजेस किए हैं. तो दैट मीन्स कि हमारी जो 7 सेटअप्स हैं फॉर दिस आइटम इन दिस प्लान. तो हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अब देखते हैं हम. दिस इज द सेम टेबल. होल्डिंग कॉस्ट 1 पर वीक है, सेटअप कॉस्ट 100 है, लीड टाइम 1 है, एवरेज वीकली हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट 27 है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 73 है. अगर हम इसका वीकली रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट कर लें तो इट कम्स टू 27, लेकिन हमारा ईओक्यू जो है वो 73 यूनिट्स है. तो एनुअल डिमांड हमारी 1404 आ गई. टोटल कॉस्ट हमारी कितनी, सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट क्या होती है, हमारी जो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू जो हमारी सेटअप कॉस्ट की वैल्यू इनटू 100. और हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय 2. क्यू हमारा क्या है, 73 डिवाइडेड बाय 2 इनटू हमारा जो है होल्डिंग कॉस्ट के 1 into 52 थी ना पर वीक थी, तो 52 वीक्स हैं. तो टोटल कॉस्ट हमारी 3798 आ गई. कॉस्ट फॉर 10 वीक्स,
10 हफ्तों की हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 730 आ गई। अब ये 10 वीक्स थी, वो तो हमने कॉस्ट हमने पर वी निकाल ली थी, पर वीक कॉस्ट निकाल ली थी। अब हमारी 10 वीक्स के लिए अगर हम कॉस्ट निकालें तो 730 आ गई। दिस इज थ्रू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। अब हम पार्ट्स उस पर हम देखें तो ये अगेन 1 है। ईपीपी यूनिट्स हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 100 यूनिट्स हैं। इसकी हम कैलकुलेशन इस तरह से देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट पीरियड ब्रेक डाउन, हम इसमें पार्ट पीरियड में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि पार्ट पीरियड बैजेस में हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। पार्ट पीरियड बैजेस का मतलब है कि हम देख रहे होते हैं कि पीरियड्स को कंबाइन कर रहे होते हैं। हम जो जिस पीरियड में हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो उस पीरियड को हम लॉट साइजेस को, बेसिकली लॉट साइजेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉल लॉट्स में हम कर रहे होते हैं। जैसे हमने मर्ज कर रहे हैं कंबाइंड पीरियड 2 एंड 5 को हमने इकट्ठा कर दिया और पर पीरियड 6 और 9 को इकट्ठा कर दिया और उससे हमने अपनी पार्ट पीरियड की कैलकुलेशन हमने सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इससे आ जाती है 490 आ जाती है। पीपीबी मेथड से, टेक्निक से हमारे पास 490 आ जाती है टोटल कॉस्ट। नाउ लॉट साइजिंग, अब हम देखते हैं हमने तीन इसके अंदर देखा, लॉट फॉर लॉट से देखा सबसे पहले, उससे हमारी टोटल कॉस्ट जो थी वो 700 थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 730 आई, पीपीबी से 490 आई। और अगर हम वैगनर विद इन वुड हैव यील्डेड अ प्लान विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 455, अगर हम वैगनर विद इन जो हमारी एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम कैलकुलेट करें तो 455 आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमाइज हो रही होगी हम उस जो है प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम अपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो अगर हम वैगनर विद इन को कंसिडर नहीं करते तो हम पीपीपी को हम लॉट को स्मॉल साइजेस में बैजेस को हम जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं, पीरियड्स को मर्ज कर लेते हैं। इन थ्योरी लॉट साइजेस शुड बी कंप्यूटेड वेन एवर देर इज अ लॉट साइज और ऑर्डर क्वांटिटी चेंज। लॉट साइजेस हम उसको कैलकुलेट करते हैं जब हमारा लॉट साइज में या क्वांटिटी में चेंज है। इन प्रैक्टिस दिस रिजल्ट्स इन सिस्टम नर्वसनेस एंड इंस्टेबिलिटी, और इससे क्या होता है सिस्टम इंस्टेबल हो जाता है, बार बार लॉट को इंक्रीज करें डिक्रीज करें। लॉट फॉर लॉट शुड बी यूज्ड व्हेन लो कॉस्ट जस्ट इन टाइम कैन बी अचीव्ड। जब लॉट फॉर लॉट हम उस वक्त यूज करते हैं, लॉट फॉर लॉट क्या होती है कि लॉट फॉर लॉट क्या था कि हम जैसे जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोड्यूस करें, जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोड्यूस करें, जितनी लॉट रिक्वायर्ड है उतनी प्रोड्यूस करें। जब हम जस्ट इन टाइम हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम, फिर तो ये चल सकता है, अदरवाइज हमारे लिए जो सिस्टम इंस्टेबल हो जाएगा। लॉट साइजेस कैन बी मॉडिफाइड टू अलाउ फॉर स्क्रैप प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स एंड परचेज लॉट्स, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्रैप्स को और प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स के लिए। Use lot sizing with care as it can cause considerable distortion of requirements at lower levels of bills of material. अब lot sizing जो होती है, हम size को increase करने से decrease करने से हमारा जो अब component item है उसके अंदर जो low level उसके अंदर item है उसके अंदर उसकी material requirement में distortion या उसके अंदर inaccuracy भी आ सकती है। When setup cost are significant and demand is reasonable smooth, पीपीबी वैगनर विद इन और यू क्यू शुड गिव रीजनेबल रिजल्ट। जब हमारे पास डिमांड हमें पता हो, सेटअप कॉस्ट हमारे पास हमारी बहुत वो हो सिग्निफिकेंट हो, तो हम फिर ये अदर थ्री मैथड जो होते हैं इनसे हम बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं रादर देन द लॉट साइजिंग या लॉट फॉर लॉट। कमिंग टू एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्लोज लूप MRP system should provide input to the capacity plan, MPS and production planning process. Closed loop क्या किसे कहते हैं? Closed loop material requirement planning कहते हैं हम। Closed loop कहते हैं कि हम अपने जो material requirement planning है उससे इस पे बेस करके हम input provide करते हैं अपने capacity plan को, material जो हमारा schedule है उसको, मटीरियल प्लानिंग स्केड्यूल को और हम प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस को। दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप। कैपेसिटी प्लानिंग,
MRP system generates a load report which details capacity requirements. अब MRP system जो है हमें capacity requirement हमें देता है कि हमें कि हमारी total material requirement कितनी और हमारी total capacity कितनी. This is used to drive capacity planning process और उससे हम अपनी capacity को enhance या decrease करने के planning process हम उसे initiate कर सकते हैं. Changes pass back through the MRP system for rescheduling. और चेंजेस को हम अपने एमआरपी सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू रीस्केड्यूलिंग. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ट्यूब. वंस एन एमआरपी सिस्टम इज इन प्लेस, जब हम एक दफा एमआरपी सिस्टम इन प्लेस कर लेते हैं, इन्वेंट्री डाटा कैन बी ऑगमेंटेड बाय अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन. इन्वेंट्री डाटा के अंदर फिर हम अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एक अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ मटीरियल रिक्वायरमेंट की, अब उसके बाद हम लेबर आवर्स भी, फिर मटेरियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट और एनी अदर रिसोर्स, ये सारे भी हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो सिस्टम के अंदर. सिस्टम इज जनरली कॉस्ट जनरली सिस्टम इज जनरली कॉल्ड मटेरियल रिक्वायर रिसोर्स प्लानिंग. इट इज कॉल्ड मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग. मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग का हम इस तरह से एक स्केड्यूल बना सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं वीक 5, 6, 7, 8 दिए हुए, और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास, और इस तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास हैं आइटम्स हैं ए बी सी. ए के लिए हमें कितने यूनिट्स चाहिए, हमें 100 यूनिट्स चाहिए वीक 8 में. उसका लीड टाइम 1 वीक है, लेबर 10 आवर्स है, मशीन 2 आवर्स लगते हैं, पेबल उसके ऊपर जो है कोई नहीं है. इसी तरह हमारे पास जो हम अब देख रहे हैं कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करें कि हमारे पास कॉस्ट उसकी पेबल हमने कोई भी उस मटेरियल की हमने ऑलरेडी हमारे पास परचेज्ड है, हमने उसके ऊपर पे नहीं करना. यूनिट बी जो है उसका लीड टाइम 2 वीक्स है, ईच रिक्वायर्ड 10 आवर्स लेबर्स के, 10 आवर लेबर की कॉस्ट भी हमारे पास है, मशीन 2 आवर्स है तो मशीन की कॉस्ट भी है, उसके बाद रॉ मटीरियल 5 ईच तो रॉ मटीरियल की कॉस्ट भी हमने पे करनी है. तो व्हाट इज दिस, दिस इज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग जिसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया ना सिर्फ अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपने अपने लेबर आवर्स, आपने अपने मशीन आवर्स और आपने अपनी कॉस्टिंग पेबल्स भी. क्लोज लूप एमआरपी सिस्टम की एक हमें इसमें एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले तो प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान के बाद प्रायोरिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग. प्रायोरिटी प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं डिजायर्ड मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल फिर रियलिस्टिक है या नहीं है. अगर नहीं रियलिस्टिक तो दोबारा हम प्रोडक्शन प्लान स्टेज पर चले जाते हैं. रियलिस्टिक का मतलब है अचीवेबल, अगर है तो फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हम डिटेल रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं. उसके बाद प्रायोरिटी कंट्रोल स्केड्यूलिंग, फिर डिस्पैच लिस्ट, उसके बाद इस स्पेसिफिक कैपेसिटी एडिकेट, एडिकेट हमारे पास इनफ फिनिट है या नहीं है, और उसके बाद एग्जीक्यूट द प्लान. और हम जो कैपेसिटी प्लानिंग में देखते हैं तो रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फर्स्ट कट प्लानिंग के हम फर्स्ट स्टेज प्लानिंग करते हैं, फिर हमारे पास कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फिर कंट्रोल आ जाता है, फिर इनपुट आउटपुट रिपोर्ट आ जाती है, फिर एवरेज कैपेसिटी एडिकेट या नहीं, और उससे हमारा जो एंड हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्लानिंग एक तो हम कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूशन. रिपीटेटिव सिस्टम्स में जस्ट एंड टाइम को हम इन प्लेस कर रहे होते हैं, तो ये सारी हम क्या करते हैं इसे क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हम हर प्रोसेस के बाद हम नया प्रोसेस उसको स्टार्ट कर लेते हैं. प्रोडक्शन प्लान, प्रायोरिटी प्लानिंग, डिजायर्ड मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, रियलिस्टिक यस, तो फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट्स. इसी तरह प्लानिंग रिसोर्स, फर्स्ट स्टेज पर हम कैपेसिटी, फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, हम मटेरियल रिक्वायरमेंट के साथ फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट अब लिंक कर लेते हैं. फिर हमारी प्रायोरिटी कंट्रोल है और कैपेसिटी कंट्रोल है, जिसमें हम डिटेल स्केड्यूलिंग और वर्क सेंटर थ्रूपुट के, वर्क सेंटर हम कितना उसकी जो है एफिशिएंसी, डिस्पैच लाइक इनपुट आउटपुट रिपोर्ट, फिर हमारी कैपेसिटी एडुकेट है या नहीं है, इसे हम एग्जीक्यूशन स्टेज कहते हैं, और फिर उसके बाद प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है. रिसोर्स प्लानिंग प्रोफाइल. अब हम लॉट साइजिंग में हमने PPB में ये देखा था कि हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारे पास है लॉट वन हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हमारे पास हैं, उसके बाद हमारे लेबर आवर्स वाई एक्सेस पे हैं, एक्स एक्सेस पे हमारे पास पीरियड है 8 वीक्स हैं. फर्स्ट वीक में लॉट वन मैन्युफैक्चर करते हैं, सेकंड वीक में लॉट 2 और 3 है, फोर्थ वीक में 4 और 5 है, फिफ्थ फोर्थ वीक के अंदर हम 8 लॉट 6, 7, 8 है,
अब लो लॉट 6, 7, 8 है वो हमारी अवेलेबल कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लॉट 6 को मैन्युफैक्चर कर सकें। इसी तरह वीक 6 में लॉट 11 को मैन्युफैक्चर करें, कैपेसिटी एक्सीड कर जाती, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि लॉट 6 को हम पीरियड 4 के अंदर जितना कंपोनेंट हम लॉट 6 का पीरियड 4 में हम कर सकते थे उसे मैन्युफैक्चर, और इसी तरह लॉट 11 का हमने वीक 7 के अंदर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, लॉट 11 को हम 6 से 7 में शिफ्ट कर देते हैं, और लॉट 6 के अंदर हम क्या करते हैं कि फोर्थ पीरियड में आधा हमने फोर्थ पीरियड में मैन्युफैक्चर कर लिया, बाकी को हम पीरियड 5 में ले जाते हैं इन ऑर्डर टू रिमेन विद इन द कैपेसिटी लिमिट। अब हमारी कैपेसिटी लिमिट अवेलेबल कैपेसिटी, हम कैपेसिटी से ऊपर तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं हमारे जितना हमारे वो बार हमारी ऊपर जा रही है, हमारी लॉट हम हमारा साइज ऊपर जा रहा है, उसको हम क्या करते हैं स्प्लिट कर लेते हैं, आधा हमने 4 में मैनुफैक्चर कर लिया, आधा वीक 5 में मैनुफैक्चर कर लिया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्प्लिट लॉट 6 एंड 11 एंड मूव देम अर्लियर इन द स्केड्यूल, दिस वुड अवॉइड एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम विद लेट ऑर्डर्स बट वुड इंक्रीज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन ये हम इसको अब जैसे हमने क्या किया कि वीक 4 में लॉट 6 को हमने वीक 4 और 5 में किया, हम इसको पहले भी कर सकते थे, लॉट हम वीक 2 और 3 में भी कर सकते थे, लेकिन उससे ये हो कि हम पहले मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो उतना हमें होल्डिंग कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। स्मूदिंग टैक्टिक्स, ओवरलैपिंग, सेंड पार्ट्स ऑफ द वर्क टू फॉलोइंग ऑपरेशंस बिफोर द एंटायर लॉट इज कंप्लीट, रिड्यूसेस लीड टाइम। क्या करते हैं हम अपने पार्ट ऑफ द वर्क टू फॉलोइंग ऑपरेशंस, जो उसके नेक्स्ट ऑपरेशन है, नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेज है उसके अंदर आप क्या करते हैं उसको एंटायर लॉट को कंप्लीट करने से पहले आप उसको उस स्टेज के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, इससे हमारा लीड टाइम कम हो जाता है। ऑपरेशन स्प्लिटिंग सेंड्स द ओवरलैपिंग को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरलैपिंग जैसे हमने क्या किया कि लॉट सिक्स को हमने कहा कि हम वीक 4 में पूरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अगर हम उसको हम उसको वीक 2 और 3 में कर लेते हैं तो हम 2 और 3 में हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, अब हम उसको लॉट 6 को जब कंप्लीट होगा तो लॉट 7 स्टार्ट होगा, तो हम क्या करते हैं उसको पहले ही नेक्स्ट फॉलोइंग जो हमारा ऑपरेशन है उसके अंदर भेज देते हैं, सो दैट क्या तुम्हारा लीड टाइम कम हो जाएगा, हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ऑपरेशन स्प्लिटिंग सेंड द लॉट्स टू टू डिफरेंट मशीन्स फॉर द सेम ऑपरेशन, शॉर्टर थ्रूपुट टाइम बट इंक्रीज सेटअप कॉस्ट। तो अब आप क्या करते हैं जब हाँ आपने लॉट को जहाँ पे प्रोसेस होनी है वो एक मशीन की बजाय आप दो मशीन्स लगा लेते हैं, आपकी सेटअप कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है लेकिन आपका प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है। ऑर्डर और लॉट स्प्लिटिंग, ब्रेक अप द ऑर्डर इनटू स्मॉलर लॉट्स एंड रनिंग पार्ट्स अहेड ऑफ द स्केड्यूल। आप क्या करते हैं लॉट को और ब्रेकअप करके छोटे उसमें आप बना लेते हैं, स्मॉलर लॉट्स बना लेते हैं सो दैट के आप अपने स्केड्यूल से पहले उनके ऊपर काम कर सकें। नाउ दिस वॉज अबाउट मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इन द production in the operations in the manufacturing, production operations in the manufacturing sector. Now we'll talk about the material requirement planning in of the production operations in the services sector. Some services or service items are directly linked to demand for other services. अब हमने dependent demand की बात की थी कि एक service दूसरी service की demand दोनों आपस में link हो सकती हैं। These can be treated as dependent demand services or items, जैसे restaurant है, hospital है और hotels है। Product structure tree, अब हम कहते हैं product structure tree जिसमें हम ले रहे हैं कि व्हील कहते हैं गोश्त को, व्हील पिकेंटे एक डिश है जो कि बड़े गोश्त की या गाय के गोश्त की एक डिश बनाई जाती है, तो हम कहते हैं जी व्हील पिकेंटे एक डिश मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुक्ड लिग्यूनी एक कंपोनेंट है उसका वो चाहिए, स्पिनच चाहिए, उसके अलावा हमें प्रिपेयर्ड व्हील एंड सॉस चाहिए, और फिर उसके ऊपर शेफ जो है काम करेगा तो वो कंप्लीट होगी। अब उसके लिए हमें फर्दर हम इसको हम क्या करें मटेरियल जो है हम वो बना रहे हैं ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बिल ऑफ मटेरियल देख रहे हैं, तो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या है अनकुक्ड लिग्यूनी थी जो कि एक हेल्पर ने कुक की पहले,
और फिर हमारे पास सॉस हमने बनाई, फिर हमारे पास गोश्त था जिससे हमने गोश्त और सॉस को प्रिपेयर किया, फिर हमारे पास कुक लेगुइनी, स्पिनच और वील आ गए, हमारे पास गोश्त आ गया। अब इन तीनों को मिला के हमने एक डिश तैयार कर ली। तो उसके अंदर अब क्या है, एक जगह पे मेन शेफ़ जो है वो डिश तैयार कर रहा है, उससे पहले एक असिस्टेंट शेफ़ है जो कि सॉस बना रहा है और गोश्त को तैयार कर रहा है, और एक हेल्पर है जिसने कि लेगुइनी को कुक किया। अब ये सर्विस स्ट्रक्चर है, सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर भी हम बिल ऑफ मटेरियल को हम यूज़ करें। अब इसका अगर हम बिल ऑफ मटेरियल बनाएं तो हमें क्या चाहिए, व्हील पिकेंटे एक डिश है जो कि हमें क्वांटिटी एक चाहिए, कुक लेगुइनी भी हमें उसमें एक चाहिए, एक सर्विंग चाहिए, हमें सॉस भी चाहिए उसके अंदर प्रिपेयर्ड जो हमारा है मीट है और सॉस चाहिए, स्पिनच हमें एक बैग चाहिए उसकी यूनिट कॉस्ट इतनी है, अनकुक्ड लेगुइनी जो है वो 0.5 पाउंड हमें चाहिए, हमें गोश्त चाहिए उसकी सर्विंग और उसकी यूनिट कॉस्ट गोश्त की इतनी है, सॉस की हमारी एक सर्विंग चाहिए और उसकी यूनिट कॉस्ट इतनी है हमारे पास आगे। दिस इज़ द बिल ऑफ मटीरियल फॉर द बिल ऑफ मटीरियल फॉर द व्हील पिकेंटे डिश। उस डिश का हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी हमने एक बिल ऑफ मटीरियल बना लिया। नाउ बिल ऑफ लेबर, अब बिल ऑफ मटीरियल बना लिया, बिल ऑफ लेबर भी हम बना सकते हैं। बिल ऑफ लेबर कैसे होगा, वर्क सेंटर 1, 2, 3 है। पहला था ऑपरेशन क्या है, असेंबल डिश, जो कि ओवरऑल सबसे जो मास्टर शेफ है उसने वो लेबर टाइप चीफ जो शेफ था उसने वो उसको डिश को असेंबल करना है, सारी चीज़ों को असेंबल करके उसने डिश बना, उसके सेटअप टाइम इतना है और रन टाइम इतना, वो सेटअप टाइम के वो अपने उसको डिश को तैयार करने और उसके बाद उसने डिश को तैयार जो एक्चुअली अपनी चीज़ों को सेटअप करने के लिए उसे 0.069 उसको लेबर आवर्स चाहिए, और उसके बाद उसने एक्चुअली जो काम कर चीज़ों का असेंबल करने के लिए 0.0041 लेबर आवर्स चाहिए उसे। फिर कुक लेगुइनी को कुक करने के लिए एक हेल्पर चाहिए जिसका सेटअप टाइम और रन टाइम इतना है, फिर जो गोश्त था व्हील था उसको और सॉस को असिस्टेंट शेफ ने कुक किया और उसने जो है उसका सेटअप टाइम और रन टाइम इतना था। सो दिस इज़ हाउ डू वी मेक अ बिल ऑफ मटीरियल, एग्जैक्टली ऐसे बिल ऑफ मटीरियल हमने उसमें भी देखे थे, प्रोडक्शन में भी देखे थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी देखे थे, बनाए थे। अब ये आप इस सर्विस सेक्टर में भी बना सकते हैं इस तरह, और उसके बाद बिल ऑफ लेबर भी है। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, DRP, यूजिंग डिपेंडेंट डिमांड टेक्निक्स थ्रू द सप्लाई चेन। एक्सपेक्टेड डिमांड और सेल्स फोरकास्ट बिकम ग्रॉस रिक्वायरमेंट। अब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, हम क्या करते हैं अपनी फोरकास्ट कर लेते हैं डिमांड, जिसको हम ग्रॉस डिमांड भी कह लेते हैं, ग्रॉस रिक्वायरमेंट। हमने देखा था ग्रॉस रिक्वायरमेंट देखी थी और नेट रिक्वायरमेंट्स देखी थी, प्लान बनाए थे ना, ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान बनाया था हमने ऑपरेशंस के अंदर, उसमें प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और एक हमने नेट रिक्वायरमेंट प्लान बनाया था। इसी तरह हम एक ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान बना सकते हैं सर्विसेज के अंदर भी, और हम उसे कह वो क्या होगा हमारी जो फोरकास्टेड डिमांड या सेल्स होंगी। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर सर्विस लेवल्स, एक्यूरेट लीड टाइम्स, डेफिनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट डिमांड टेक्निक्स हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर यूज़ होती हैं। फिर एक और सिस्टम है जिसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दिस सिस्टम वॉज डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रॉस रिक्वायरमेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डिमांड से, एक्सपेक्टेड डिमांड या एक्सपेक्टेड सेल्स से, फिर उसके बाद मिनिमम हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इन्वेंट्री को मिनिमम रखें और हमारा लीड टाइम हमारा एक्यूरेट हो, और हम उसके बाद स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ अनदर सिस्टम कम्स इन विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ यूज नाउ अ डेज इन ऑलमोस्ट ऑल द सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन इन द सर्विसेज इंडस्ट्री एज वेल। एन एक्सटेंशन ऑफ द MRP सिस्टम टू टाई इन कस्टमर एंड सप्लायर्स। अब ये क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है जो कि बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अलाउज ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैनी बिजनेस प्रोसेसेस, और हम ERP सिस्टम के थ्रू ऑटोमेट कर लेते हैं सारे बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे ही आपके मटेरियल इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट होती है, ईमेल सप्लायर के पास लिए तो उसको पता चलता है कितने उसको के आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट शेयर्स कॉमन डेटाबेसेस एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने होलसेलर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ आप डेटाबेस शेयर कर रहे होते हैं।
प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम, रियल टाइम में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. कोऑर्डिनेट्स बिटवीन बिजनेस फ्रॉम सप्लायर एवेल्यूएशन टू कस्टमर इनवॉइसिंग. आप अपने सप्लायर से कस्टमर तक सारे के सारी कोऑर्डिनेशन बेसिकली ईआरपी सिस्टम कर रहा होता. ईआरपी मॉड्यूल्स इंक्लूड बेसिक एमआरपी, बेसिक और इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ईआरपी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर बेसिक मॉड्यूल जो है आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहा होता है, फाइनेंस कंपोनेंट आपकी कॉस्टिंग सब देख रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लान बना रहा होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओवरऑल देख रहा होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको भी देख रहा होता है, आप कस्टमर के रिलेशनशिप को. Now coming to enterprise resource planning and the material requirement planning. Customer relationship management में क्या है कि आपने invoicing आपने रसीद बना के दी, सेल ऑर्डर पहले तो ऑर्डर आया, शिपिंग डिस्ट्रीब्यूट रिटेलर्स एंड यूजर्स उनसे आपने उनकी राय उनसे ली, उनसे आपने उनका सर्वे भी किया, फिर आपके पास सबसे पहले तो सेल ऑर्डर आता, सेल ऑर्डर आ गया, सेल ऑर्डर से आप मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं, सबसे पहले एमपीएस बनाते हैं मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, आपको जितना ऑर्डर मिला उतना आपने मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं और बिल्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं कि आपको हर मेन प्रोडक्ट के कितने क्या क्या कॉम्पोनेंट्स चाहिए होंगे, फिर उसके बाद वर्क बिल्स ऑफ मटीरियल के वर्क ऑर्डर्स हैं, फिर आप रूटेड एंड लीड टाइम्स आप कैलकुलेट करते हैं, फिर परचेजिंग एंड लीड टाइम्स की इन्वेंट्री आपके पास कितनी है और कितनी और आपको परचेज करनी पड़ेगी उसका लीड टाइम कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट वेंडर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे इतनी इन्वेंट्री ये प्रोडक्ट हमें मुझे इतने दिन के अंदर चाहिए. नाउ दिस सिस्टम जो आपका मास्टर प्रोडक्शन एमपीएस से लेके आपका जो परचेजिंग तक है, दिस इज योर मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मॉड्यूल. इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर जैसे ही आपका सेल ऑर्डर आया तो उसके पास भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के पास आ गया कि जी इतना ऑर्डर ने रिसीव कर लिए, इतने पैसे हमें एडवांस पेमेंट होगी, ये हमें रिसीव होगा, फिर जनरल लेजर में अकाउंट्स पेबल पे रोल्स डिवेलप कर रहे हैं, उसके बाद वर्क ऑर्डर्स आप अपने कि जितने आपके बिल्स ऑफ मटीरियल हैं उसके ऊपर जितने वर्किंग आवर्स लगेंगे आप अपने उतने ह्यूमन रिसोर्स को पे कर रहे हैं, फिर सप्लाई चेन को. अब ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सारों को मिला के एज अ होल हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. इन सब की जब हम प्लानिंग करते हैं तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट है मटीरियल रिसोर्स प्लानिंग, जो कि हमने कहा कि हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो हम ऑर्डर के से हम अपना मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं, उससे फिर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बिल्स ऑफ मटीरियल. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इन्वॉइसिंग है, सेल ऑर्डर है, ऑर्डर एंट्री, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स मैनेजमेंट, शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एंड एंड यूजर्स, ये सारे के सारे आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं. देन आपका जो मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिल्स ऑफ मटीरियल, वर्क ऑर्डर्स, वर्क ऑर्डर्स के फिर रूटिंग्स एंड लीड टाइम्स और परचेजिंग एंड लीड टाइम्स आपके इन्वेंट्री के. Then comes the supply chain. Supply chain के अंदर आपने जो जो आपने inventory purchase करनी है, inventory purchase करने के लिए आप अपने vendor को उसे communicate करेंगे, उसे बताएंगे, schedules बनाएंगे e-commerce के through, ये shipping, advance shipping notices देंगे उसको आप, और उसे lead times आप उसे discuss करेंगे. Then comes the part of finance and accounting, account receivable, journal ledger, accounts payable, payrolls. ERP Enterprise Resource Planning can be highly customized to meet specific business requirement. अब ये ERP system जो है आप इसे customize कर सकते हैं business requirements के accordingly, जिस तरह का आपका services sector है, आपका business जो है manufacturing sector है, आप accordingly अपने modules को define कर सकते हैं, अपने modules को customize कर सकते हैं. Enterprise application integration software allows ERP systems to be integrated with warehouse management. इसमें आप modules add कर सकते हैं warehouse management का, कि आपके inventory warehouse में कैसे manage होती है. फिर logistics, logistics का component add हो सकता है. Electronic catalogs, quality management. तो आप जो ERP basically system है, this is extremely flexible. You can tailor it to meet your
यू कैन कस्टमाइज इट टू मीट योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. तो इसके अंदर आप और मॉड्यूल्स ऐड भी कर सकते हैं और उन्हीं मॉड्यूल्स को एनहेंस भी कर सकते हैं. तो इट हैज अ वाइड स्कोप. ईआरपी सिस्टम्स हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट. अब क्योंकि सिंस इट इज डन ऑन कंप्यूटर्स, ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और डिले आपका इसमें रिड्यूस हो जाता है. इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. फैसिलिटेज अ स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस ऑन जस्ट इन टाइम सिस्टम्स एंड इंटीग्रेशन. सबसे मजे की इसकी बात यह कि जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड इंटीग्रेशन, एम्फेसिस ऑन जस्ट इन टाइम. मेरे पास एक ऑर्डर आया एम्बुलेंस के, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जी. एम्बुलेंस का मेरे पास एक ऑर्डर आया. अब जैसे ही मेरे पास ऑर्डर रिसीव होगा, मैं ऑर्डर बुक करूंगा, अपने सिस्टम में ऑर्डर ऐड करूंगा कि जी 50 एम्बुलेंसेज हमने करनी है, मैन्युफैक्चर करनी, और मैं कस्टमर को एक लीड टाइम दे दूंगा कि जी दिस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 50 एम्बुलेंसेज. मैंने ये इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड की, अपने ईआरपी सिस्टम में ऐड की. ऑटोमेटिकली जितने उसके कंपोनेंट्स उसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, उसमें हमने कहा था 18,000 उसमें इन्वेंट्री आइटम्स लगते हैं. तो मेरे प्रोडक्शन टीम के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि 6,000 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं, ये लीड टाइम है, इतने दिन के अंदर ये चाहिए. मेरे सप्लायर के पास, जो मेरे वेंडर्स हैं, उनके पास चली जाएगी कि ये 12,000 यूनिट्स हैं जो कि इतने दिन के अंदर हमें चाहिए और आपने ये प्रोवाइड करने. तो जैसे ही जस्ट इन टाइम, जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ, मेरे पास इन्वेंट्री भी आ जाएगी, मेरी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी और मैं उसको असेंबल करके एक गिवन लीड टाइम के अंदर थ्रू द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, थ्रू द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, आई विल बी एबल टू मीट माई डिमांड, टू मीट माई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, और मैं उनको 50 एम्बुलेंसेस मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके दे सकता हूँ. Advantages of enterprise resource system provides integration of the supply chain, production and administration. Integration of supply chain. Supply chain kya hoti? From customer, from supplier to the customer. From supplier to the customer, जो बीच में जितने आपके module stages हैं, ये सारी आपकी supply chain में. फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जितने आपकी ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये जितने मॉड्यूल्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं. फिर आपकी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को भी इंटीग्रेट कर देती है. आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है कि कितने यूनिट्स आज में प्रोड्यूस हुए, कल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने, कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम हो गई, कितनी इन्वेंट्री बच गई, कितने ब्रेकआउट्स हैं उसके अंदर, कितनी इन्वेंट्री जो थी वो हम उसमें आपने किस किस आइटम में यूज़ हो रही है, बिल्स ऑफ मटेरियल हर आइटम के. तो एग्जैक्ट आपके पास इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. क्रिएट्स कॉमनैलिटी ऑफ डेटाबेसेस. अब इसके अंदर कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो आपके प्राइवेट डेटाबेसेस हैं, जैसे अकाउंट्स फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट या हायर मैनेजमेंट के पास. अब कॉमन डेटाबेसेस हैं जिसमें प्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपके न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ऑर्डर की आपके पास सारी जो डिटेल्स हैं जो कि आप शेयर कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ भी और अपने सप्लायर के साथ भी और अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ. कैन इनकॉर्पोरेट इम्प्रूव बेस्ट प्रोसेसेस, और इसके अंदर आप बेस्ट प्रोसेसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सिस्टम को. इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड साइट्स. सबसे एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम का बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन आपकी इन्हेंस हो जाती है और कोलेबोरेशन बिजनेस यूनिट्स में. अब एक डिपार्टमेंट को पता है कि दूसरा डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, किस स्टेज पे कर रहा है. एक लेट्स सपोज हम टॉर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैटरी टॉर्च होती है, तो बैटरी डिपार्टमेंट वालों को पता है कि उन्होंने टॉर्च की बॉडी बना ली है और उसमें बल्ब लगा लिया है, तो और मैंने कल तक आप बैटरीज मैन्युफैक्चर करके देनी है सो दैट वो दोनों चीजें असेंबल हो सके. हैज एन ऑफसेट द शेल्फ सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस, और जितने ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर हैं
वो उसमें जैसे ईआरपी सिस्टम इट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली, तो ऑफ द शेल्फ जो आप ये सॉफ्टवेयर ऑफ द शेल्फ उन्हें कहते हैं जो शेल्फ के ऊपर मौजूद चीज़ें होती हैं, जो आप जिस तरह जो भी कमोडिटी खरीदने जाते हैं शेल्फ से उठाते हैं खरीद लेते हैं, तो आप इसी तरह ये ईआरपी सिस्टम भी खरीद सकते हैं ले और इसके डेटा बेसिस भी आप खरीद सकते हैं। मे प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और ये आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है ओवर योर कंपेटिटर्स। Disadvantages is very expensive to purchase and even more so to customize. ERP systems jo hain they are very expensive or they need a lot of integration, a lot of computerization of processes. Implementation may require major changes in the company and its processes. Aur isko implement karna एक मेजर ह्यूज चेंज लानी पड़ती है आपको कंपनी के तमाम प्रोसेसेस में, कंपनी के तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज करने में, कंपनी के तमाम डेटास को इलेक्ट्रॉनिकली उनको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने में। एंड इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स दैट मैनी कंपनीज कैन नॉट एडजस्ट टू इट, और ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि बहुत सारी कंपनीज खरीद लेती हैं, इंस्टॉल कर लेती हैं, इम्प्लीमेंट कर लेती हैं, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाती फिर, या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसे प्रॉपरली फुली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इन्वॉल्व्स एन ऑनगोइंग पॉसिबली नेवर कंप्लीटेड प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें मॉड्यूल्स जो हैं वो इतने इन्हांस्ड और इतने डिटेल्ड हैं कि आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं न्यू थिंग्स कम, आप नई चीज़ें इंकॉर्पोरेट करते जाते हैं, प्रोसेसेस को मॉडिफाई करते जाते हैं, टेलर करते जाते हैं, प्रोसेस चलता जाता है, और कभी भी आप एक फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाते कि जी दिस इज हैज़ 100% इम्प्लीमेंटेड और इसमें आप कुछ और नहीं करना। एक्सपर्टीज इज़ लिमिटेड विद ऑनगोइंग स्टाफ प्रॉब्लम्स, और इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको ट्रेंड स्पेसिफिक ईआरपी स्टाफ रिक्वायर्ड है, एक्सपर्टीज चाहिए। ERP in the services sector. ERP systems have been developed for healthcare, government, retail stores, hotels and financial services. और ERP system जिस तरह हम production या हम उसमें manufacturing में हम use करते हैं, उसी तरह हम services sector में भी use कर सकते हैं, modules different हम इसमें use कर सकते हैं। तो healthcare sector में, government में, retail stores, doctors, financial, hotels, अब किसी healthcare में, किसी hospital में ERP system किस तरह से work करेगा? एक पेशेंट वॉक इन करता है, आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है और कराता है, तो जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके बाद उस वो कहता है कि जी मैंने फलाने डॉक्टर को देखना, तो ऑलरेडी उस डॉक्टर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि जी ये आपके पास इस एज ग्रुप का, ये आपके पास जो पेशेंट है वो इस डिज़ीज़ के साथ आपके पास आ रहा है। फिर वो जो भी उसको एग्जामिन करता है वो करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये इसने डॉक्टर ने उस कंसल्ट किया और इसकी इतनी फ़ी बनती है, फिर वो अपनी फ़ी पे करता। इसी तरह फिर जो है हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट करता तो उसको मेडिसिन दी तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी, कितनी मेडिसिन दी, कितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ एक दूसरे के साथ। फिर नॉट ओनली दैट, फिर क्या होता है कि आप इसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि पेशेंट आया, पेशेंट को एक डॉक्टर ने देखा, उसने उसको चेकअप किया, उसने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, अब वो इन्फॉर्मेशन सीनियर डॉक्टर्स के पास भी जा रही है कि जी इस तरह का पेशेंट आया था, इस डॉक्टर ने उसको ये प्रिस्क्राइब किया, तो वो उसको चेक भी कर सकते हैं, किसी फॉरेन डॉक्टर के पास, किसी और हॉस्पिटल के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन रिले हो सकती है। ऑल्सो कॉल्ड एफिशेंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स सिस्टम, इसे ECR भी कहते हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्स सिस्टम। ऑब्जेक्टिव इज टू टाई सेल्स टू बाइंग इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन। और ERP सिस्टम का जो सर्विसेज सेक्टर में बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि सेल्स और बाइंग, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों का आपस में मैनेज करना, इंटीग्रेट करना। इन दिस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट लॉट साइजिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने कहा EOQ, हमने कहा हमने स्प्लिट कर दिए लॉट साइजेस को, हमने कंबाइन कर दिया प्रोसेसेस को, और हमने देखा हमारी टोटल कॉस्ट किस में रिड्यूस होती है।
फिर वी टॉक्ड अबाउट एक्सटेंशंस ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसमें हमने कहा क्लोज लूप सिस्टम्स, कैपेसिटी सिस्टम्स क्या होते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग कैसे होती है. आप कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर आप देखते हैं कि आपके जो कैपेसिटी है और आपकी जो एक्चुअल है प्रोडक्शन है वो मीट कर रही है नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही तो लॉट्स को बैचेस को आप स्प्लिट कर देते हैं सो दैट कि आप अपनी कैपेसिटी विद इन द कैपेसिटी रेंज आप अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकें. लेकिन उसमें एक और हमने कहा कि अगर हम उस मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेसेस को हम पहले भी कर सकते हैं अपने स्केड्यूल वीक से बाद में भी कर सकते हैं. पहले करने का नुकसान ये कि हमें लीड टाइम बढ़ जाते हैं हमारे सॉरी लीड टाइम हमारा कम हो जाता है लेकिन हमारा जो है होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. एमआरपी इन सर्विसेज, हमने सर्विसेज सेक्टर के अंदर देखा कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है. हमने कहा कि दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग चलती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू हम उसे प्लान करते हैं अपने मटेरियल रिक्वायरमेंट को. और दूसरा हमने कहा कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है जो कि हमारे सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देती है, जिसमें हमने कहा कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. और सर्विसेज सेक्टर में हमने कहा होटल्स में, एयरलाइन कंपनीज के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम्स में, हर जगह पे अब ईआरपी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.